तो गाइस आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट करा था भाई मर्डर का वीडियो बना, मर्डर का वीडियो बना। भाई मैंने बहुत सारे जैसे कि राजिया का सस्पेंशन लगाया था डिस्क के साथ, उसके बाद एवेटर का लगाया था पर उसको मर्डर नहीं फिट किया था, मर्डर का नहीं दिखाया मैंने। तो आ चुके इस बार मर्डर का वीडियो लेके सारे भाइयों के लिए, और खतरनाक वाला एकदम बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लगता है इस लुक्स में। डीओ में एक्टिवा में वगैरह में पता नहीं, पर डीओ में तो बहुत रेट्रो लुक दे रहा है, एकदम ऊपर वाला एकदम खतरनाक वाला लुक दे रहा है। तो चलिए गाइस आज मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फिट किया है। उसमें मैंने एप्रिला का फ्रंट मर्डर लगाया, एवेटर का सस्पेंशन लगाया जो काफ़ी स्मूद है, मैं स्टेज का मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्मूद है। मैंने ट्राई किया, वो बहुत दिन से चला रहा हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि हर बार मैं करता हूँ कुछ बना के ट्राई करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चले गाइस अभी मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने उसको बनाया, कैसे इंस्टॉल किया। और एक भाई ने मुझे मुंबई से व्हाट्सएप में वीडियो शेयर किया था, मतलब फोटो शेयर किया था, उसका एवेटर सस्पेंशन लगाया था उसमें। तो उसमें क्या हुआ था, एक साइड ज़्यादा गैप था, एक साइड कम गैप था, तो उस टाइम में मैं उसका हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एवेटर सस्पेंशन नहीं था। अभी तो मेरा एवेटर सस्पेंशन लगा चुका हूँ, किस टाइप से लगाया मैं खुद लगाया था, मुझे भी ट्राई मिला, तो उसका मैंने थोड़ा मतलब थोड़ा लेथ में जाकर कुछ काम करके उसको परफेक्ट किया मैंने। कैसे किया मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी, और अभी इसको देख के बना सकते हैं इजीली। तो चले गए अभी दिखाते हैं इसको कैसे मैंने इंस्टॉल किया था। और अगर इससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोस नए नए वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं आप लोग, ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे बनाया मैंने। तो गाइस ये रहा अपना डीओ जिसमें एवेटर का सस्पेंशन और एप्रिलिया 150 SR150 का मडगार्ड लगा इसमें। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है, और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है इसमें ये लुक्स में, या फिर मेस्ट्रोज का लुक्स में अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं इसके साइड बाय साइड देख लीजिए। तो चलिए अभी दिखा था इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। तो पहले तो आप ये मडगार्ड देख सकते हैं, या फिर SR150 का है, और सस्पेंशन देख रहे हैं आप एवेटर का है। हाँ, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मुंबई से जो भाई ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप में, तो उसका ना इस तरफ गैप ज़्यादा था, इस तरफ कम था, देख सकते हैं। अभी इसमें बराबर है, पूरा परफेक्ट बनाया गया इसमें। इसमें कैसे लेद वर्क किया वो मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले इसको सारा का सारा खोल के, जितना भी है सारा खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे फिट किया है कैसे नहीं किया है। तो चलेगा इसको पहले मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप देखिए ये दोनों, और सारा का सारा खोल कर रख दिया, मडगार्ड है, यहाँ व्हील है, नंबर प्लेट है, सस्पेंशन है। तो गाइस ये एवेटर का सस्पेंशन है। तो जब पहले जो साइड व्हील जो था इस तरह में होता था, क्यों होता था, इसका रीज़न यहाँ पे था। इसका देखिए आप, मैंने हम लोग का जो प्लेट का ड्रम प्लेट का स्टॉपर है ये, जो यहाँ पे लगता है इस वाले गैप पे लगता है, ठीक है, ये स्टॉपर है, ये पहले यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था। तो हम लोग यहाँ पे वेल्ड किया, कस्टम वेल्ड बोलता है, तो कस्टम वेल्ड करके इसको थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा ऊँचा के यहाँ तक किया, ठीक है, क्योंकि ड्रम प्लेट में कनेक्ट नहीं हो रहा था। वो वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि तब बहुत धूप था, और इतने धूप में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, और मतलब कोई पर्सनल गैराज भी नहीं है जो अंदर जाए करो, मैं जब पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए कोई नहीं, इसमें बताता हूँ ठीक से डिटेल में। सस्पेंशन को लेके क्या, वो पाइप खोल के लेके जाना, अगर आपको जाना है तो पाइप खोल के लेके जाना है, ये सिलेंडर में यहाँ पर वेल्ड करेगा, वेल्ड करके इसको थोड़ा हाइट बढ़ा के, ठीक है, उसमें मैंने ग्राइंडर किया खुद से घर पर, ग्राइंडर करके फिर जाकर परफेक्ट बैठाया। और उसके लिए मैंने दो ये स्टेप का बुशिंग और वॉशर का यूज़ करना पड़ेगा, वो क्यों इस्तेमाल करना पड़ेगा मैं दिखाऊंगा फिटिंग का टाइम में। पहले आप देख लीजिए दो सस्पेंशन, ये एवेटर का है जो काफ़ी स्मूद है, और यहाँ पे मैं ड्रम प्लेट जो यूज़ कर रहा हूँ वो भी एवेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ये ड्रम प्लेट, और फिर ये मडगार्ड, ये एप्रिलिया SR150 का मडगार्ड है, ठीक है, जो कि डीओ में बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो एक वीडियो में ऐसा दिखा था, मैं थंबनेल में दिखा था कि इसके एप्रिलर का मडगार्ड लगा है, पर जब खोला उसमें तो कुछ था ही नहीं, तो मैं वही सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये फिटिंग करने के लिए मैं इस टाइप का कुछ क्लेम बनाया था प्लेट से, स्टील एरन लोहा का प्लेट से, ये प्लेट यहाँ पर लगता है, तो इस टाइप में लगता है, इस टाइप में प्लेट लगता है यहाँ पे। तो और ये दोनों होल में मडगार्ड लगता है जो कुछ इस तरह का दिख रहा है, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे एल टाइप में है। फिर यहाँ से मैंने स्क्रू और बोल्ट फिट करके कस दिया, और इसको फिट करने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा काटना पड़ेगा, हम देख सकते हैं ऐसे करके थोड़ा शेप में काटना पड़ेगा,
ये यहाँ से सीधा होता है, तो इसको काट लो, थोड़ा राउंड शेप देना पड़ेगा नहीं तो इसमें अटक जाता है चीज़। दोनों तरफ से कटा हुआ है ठीक है। और केबल गार्ड के लिए मैंने इस तरह का हुक बनाया एक, और ये वाला पत्ती है इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे, ताकि पीछे से ना हिले। तो चलिएगा इसको मैं फिट करके बताता हूँ पहले आपको। पहले हम लोग इसमें व्हील फिट करते हैं। ये व्हील को बैठा दिया, ये व्हील का बुशिंग यहाँ पे लगेगा, ये स्टॉक वाला बुशिंग है, एक्सल लेना पड़ेगा आपको, एक्सल यहाँ से डाल के एक्सल डाल के ये वॉशर यूज़ करना पड़ेगा आपको इस तरफ हल्का सा स्पेस के लिए। ये गैप में ये ड्रम प्लेट का हाइट, ये ड्रम प्लेट स्टॉपर का हाइट बढ़ने के वजह से यहाँ पे गैप आ गया, तो ये गैप के लिए ये छोटा सा बुशिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से। पहले देखिए आप ये वॉशर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टॉक वाला बुशिंग, ये वॉशर, उसके बाद इस तरफ में ये वाला, ये चीज़ जो दिख रहा है आपको, ये स्पेसर देना पड़ेगा क्योंकि ये ड्रम प्लेट होल्डर का हाइट टू बढ़ गया ना, इसका वजह से यहाँ पे भी गैप आ गया, तो इसका वजह से मैं ये वॉशर दे रहा हूँ ताकि पूरा सेंटर आने के लिए। देखिए आप दोनों बर्बाद पूरा सेंटर आ रहा है, इस तरह में भी, इस तरह में सेंटर में पूरा व्हील देख सकते हैं। और मडगार्ड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मडगार्ड को यहाँ पे होल दिया गया है, यहाँ पे इस होल से पहले इसको लगा लेता हूँ मैं। फिर एक्सल को सामने देखा, एक्सल को होल के बराबर डाल देगा, इस तरीके से प्लेट का साथ देख सकते हो। सेम इधर में भी ये प्लेट जो मैंने दिखाया था आपको, इसको भी इधर लगाना कुछ इस तरीके से। इस तरह से क्लैंप को फिट करके उसके बाद ये 19 नंबर वाला बोल्ट लगा देना, उसके बाद मडगार्ड में इस टाइप का स्क्रू बैठा के इस कुछ इस तरह का बोल्ट लगा के उसको कस देना है। इस तरह से मडगार्ड फिट करना है आपको, उसके बाद ये मेन एक्सल को टाइट करना है पूरा फुल टाइट। तो गाइस सारा का सारा मैंने फिटिंग कर दिया है, खोल के फिर फिटिंग करके दिखा दिया आपको और किस स्टेप से बनाना है, कैसा क्या चीज़ है, और स्टॉपर प्लेट सॉरी ड्रम का जो स्टॉपर है वो कैसे बनाना है, और मडगार्ड के लिए क्लैंप कैसे बनाना है, और ये ब्रेक केबल का लॉक कैसे बनाना है, सारा सारा दिखा दे रहा है। अगर आप लोग चाहते हो तो इजीली बना सकते हैं, अगर खुद से आता है तो बनाइए, अगर नहीं आता तो कोई गैरेज या मैकेनिक से हेल्प लीजिए। और भाई जो भाई मुझे दिखाया था इसका ये स्पेस वाला, उसको सॉरी मैं तब बता नहीं पाया उसको कि ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता था, मैंने ट्राई नहीं किया था, पर अब जब कर दिया हूँ और बहुत सक्सेस भी हो चुका है इसका। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं ना, तो देख ही चुका आप लोगों ने कैसे बनाना है, बहुत इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, अगर कर सकते तो बहुत इजी, उसके जो करता है उसकी जैसे मैंने अभी कर दिया मेरे लिए बहुत इजी हो गया। तो गाइस चलिए अभी लेने पर अलविदा, और रात भी हो चुका है, बारिश भी आ चुका था, इसलिए वीडियो को थोड़ा टाइम लग गया, बारिश आ चुकी बहुत भयंकर वाला बारिश है। चले गाइस मिलेंगे फिर दूसरे नए वीडियो के साथ, नए टेक्निक के साथ, नए आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे हम लोग। और गाइस आप लोग कुछ बताना है मुझे, एक वीडियो अपलोड करने में आप लोग सोचेंगे नहीं कितना लगता है, मैं स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए दो वीडियो का, एक में लगा मुझे 15 या 16 घंटा, और एक में लगा मुझे 3 या 4 दिन एक वीडियो अपलोड होने में इतना टाइम लगता है, इसलिए ये भी रीज़न एक आता है कि मेरा वीडियो लेट अपलोड होता है। कोई नहीं, अभी नेटवर्क फ्री हुआ तो पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं।
चलिए गाइस देखेंगे फिर अलविदा, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, फिर से वापस, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।